यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण भक्त ठाकुर जी के जो भक्त थे भगत नरसी, जब अपनी बेटी नैनीबाई के यहाँ मायरा भरने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनको चलते चलते रात में जंगल में वो लोग पहुंच जाते हैं और पूरी श्याला की भरी रात और पूरी चारों तरफ अंधेरा, और उसके साथ साथ नरसी जी के पास पूरे बूढ़े बैल, टूटी हुई गाड़ी, साथ में सूरदासों की टीम, ज्ञानदास जी, और बस चलते जा रहे हैं। और रास्ते में जाकर के उनके जो बैल होते हैं गाड़ी के, वो अड़ जाते हैं। गाड़ी कब बिखर जाए कोई पता नहीं। पहुंचना अंजार नगर है अपनी बेटी के यहाँ, नैनीबाई के यहाँ भात भरने के लिए। भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त दुविधा में है, तो वो खुद खाती का रूप बना करके, कारपेंटर का रूप बना करके, और एक जवान व्यक्ति के रूप में जिसको मोट्यार बोलते हैं, मोट्यार बनकर के और जंगल में आ जाता है और उनकी गाड़ी के आगे आकर के और खड़ा हो जाता है। और नरसी जी ने क्या कह रहा है वो बनेड़ा खाती यानी भगवान ठाकुर जी क्या कह रहे हैं नरसी जी ने, ओ घणी दूर सो दौड़ो थारी गाडूली कहला, घणी दूर सो दौड़ो थारी गाडूली कहला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। ठाकुर जी उनको बोलते हैं कि बाबा मेरे को भी अंजार नगर जाना है, आप मुझे अपने गाड़ी में बिठाओ। तो नरसी बोलता है, अरे बुरे बावड़ा हो गया छोरा, मारी हालत देखो, ये सर्दी की रात है, अंधेरा है चारों तरफ, मेरे पास में जो हालत है, टूटे हुए बैल, टूटी हुई गाड़ी, बूढ़े बैल, सब तरीके से, आप कहां बात कर रहे हो। लेकिन ठाकुर जी बोलते, नहीं बाबा मैंने तो थारे साथ चालनो ही है। तो बोले चालनो है, तो नरसी जी क्या बोलते हैं, अरे नरसी बोलो मारे सागे के करसी, नरसी बोलो मारे सागे के करसी, ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी, ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी, बूढ़ा बैल टूट्योड़ी गाड़ी, ओ बूढ़ा बैल टूट्योड़ी गाड़ी, पैदल जावे हार, अरे 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 पैदल जावे हार, मन भी ओ बाबा गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। तो जब उनसे बात कर रहे होते हैं नरसी भगत जी, भगवान जी से बात कर रहे होते हैं, तो उनके जो टीम में जो सूरदासों की टीम होती है उनके अंदर ज्ञानदास जी, वो बोलते हैं, बोले नरसी जी आप ज्यादा बात मत करो, किसी को मुंह मत लगाओ, ठीक है, यो माथे चढ़ जाएगा और यो बैठेगा गाड़ी में तो वैसे ही जगह कम है और हमारे ये तुमड़ा वगैरह है सब फोड़ फाड़ जाएगा। ओ ज्ञानदास जी कहे गाडूली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे गाडूली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा, घनी भीड़ में टूट जावे, क्या टूट जावे, अरे घनी भीड़ में टूट जावे मारा इक तारा रो तार, अरे
है मारा एक तारा रोता, माने बे बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजा, ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजा। ये सुन करके और उनसे बात करना थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी हैं वो तो छोड़ते नहीं, और नरसी जी से बोलते हैं कि नरसी जी देखो मैं तो आपके लारे भात देख रहा चालू ही चालूंगा। तो बोले अच्छा चलेगा, तो बोले ठीक है भाई, लेकिन तू ये बता करेगा काई, और तू ये बता पहले अंजार नगर तू जा क्यों रहा है, क्या कारण है। तो बोले कि बाबा मैंने सुनी है कि अंजार नगर में एक भगवान रो भक्त है, भगत नरसी, वो अपनी बेटी है नैनी बाई उसका मायरा भरने के लिए जा रहा है, नरसी मेहता नाम उसका है, तो मेरे को वो भाग देखने के लिए चला है। नरसी जी बोलिया रे बावड़ा मोटिया रे, तू बावड़ा हो गया, देख यो तुमड़ा, ये टोपियां, ये लंगोटियां और ये सारे सूरदास जी, यो तो सब सामान है, और मैं ही हूं नरसी महतो, देख लियो मैं ही जा रहा हूँ वहां, और अब तू जा। पर भाई ठाकुर जी बोले ना बाबा मैं तो तारे साथ चलो ही चलूंगा। तो भगवान जी क्या कह रहे नरसी जी को, ओ नानी भाई रो भात देख बा चालूंगो, नानी भाई रो भात देख बा चालूंगो, पुण पावलो थाली मैं भी डालूंगो, पुण पावलो थाली मैं भी डालूंगो, और अरे दोए चार दिन चोखा चोखा, दोए चार दिन चोखा चोखा, जी मुझे मनवार, अरे रे 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 जी मुझे मनवार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर आजा। भगवान जी बोलते हैं कि आप मुझे लेके चलो और मुझे भी कुछ करने दो, वहां पे जब पूर्ण पावला, जब भात की थाली में लास्ट में जाकर के जब वो रोकड़ रखने की बात आती है पैसा रखने के, तो ज्ञानदास जी उनको नरसिंह जी को बोलता है, बोले सुनो नरसिंह जी यो तो आदमी काम को है और इसको चलने दो, देखो अपने पास सब चीज है पर अपने पास में रोकड़ रुपया नहीं है और उसका वहां जरूरत पड़ेगा, तो आप एक काम करो मोटियार न चलने दो साथ में। अरे बोले चलने तो देंगे लेकिन महाराज मारी बात सुनो। बोले क्या, यो मारी गाड़ी देख रहा, गाड़ी की हालत देख रहा, एक मिनट लगे पतो ना है, एक सेकंड लगे पतो ना है, कब बिखर जाए, ये बैल देखो मर मर के चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि बाबा कोई दिक्कत नहीं मुझे दिख रही है, आपकी जो गाड़ी है वो मैंने दिख रही है, पर इसका चिंता मत करो क्योंकि मैं जाति से खाती हूँ। तो नरसिंह जी बोला रे अरे तू ही बाद में बतायो, मैंने पहले क्यों ना बतायो कि भाई तू है जो खाती है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है नरसिंह जी, मैं थारी गाड़ी में सही कर दू। अब भगवान जी थे वो तो गाड़ी के हाथ लगाया तुम्हारा मटा की गाड़ी, यूं मान लो जैसे कि हवाई जहाज, और गाड़ी धना धन एकदम ऐसी हो गई जैसे शोरूम से अभी निकाली है। तो फिर उसके बाद में अब ठाकुर जी बोलते हैं नरसिंह जी को, बोल नरसिंह जी आपकी गाड़ी तो फनाफन हो गई है, लेकिन अब आपको एक सुविधा और कर दूं मैं। बोले काई, बोले एक सुविधा ये और कर दूं कि तुम्हारी गाड़ी की मैं यहां हूं। बोले क्यों, बस आप आराम करो, और अब वो तो ठाकुर जी थे भगवान है कृपा निधि हैं वो जिन पे कृपा करते हैं, तो बोले आप आराम से आपकी गाड़ी मैं हाँकता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने भगत नरसी की गाड़ी हाँकी थी, उनका जूड़ा उनका संभाला था। ओ जूड़े ऊपर बैठे हाँक सो मैं नारा, जूड़े ऊपर बैठे हाँक सो मैं नारा, थे कर जो आराम दाब सो पग थारा, थे कर जो आराम दाब सो पग थारा,
घड़ी चार तड़के थाने, घड़ी चार तड़के थाने पहुंचा देऊं अंजार, अरे पहुंचा देऊं अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानू है नगरे अंजार। तो भाई उनकी गाड़ी हाँक रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उनको बोल दिया कि घड़ी चार के तड़के थाने पहुंचा दी हूँ अंजार, सुबह 4 बजे आपको चिंता मत करो, अंजार नगर मैं पहुंचा दूंगा। तो ऐसे करके और गाड़ी चलते जा रही है, लेकिन ठाकुर जी के मन में बाद में कुछ और आती है। तो नरसी जी से बोलते हैं कि नरसी जी मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक करी। बोले हाँ ठीक करी। तो बोले अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारी मजूरी तो दो। बोले मजूरी? नरसी जी फिर, अरे बोले भाई मैं जात का खाती हूँ, ये तो मारो धंधो है, मजूरी तो मिले, मैं तो सबरे से बावणी भी ना हुई। अब नरसी जी भाई टेंशन में, बोले के करा भाई। तो बोले भाई महाराज मारे पास अगर पैसा होता, मजूरी देवा के लिए सामान होता, तो मैं ऐसे टूटेड़ी गाड़ी में चाल। तो बोले ना मजूरी तो बड़े, मजूरी तो आपको देनी पड़े। तो बोले मजूरी देनी पड़े, तो भाई मजूरी तो हमारे पास नहीं। परेशान नरसिंह एकदम परेशान, मेरा पगला रहा है। ठाकुर जी बोला, बोले नरसिंह जी मारी मजूरी सुन तो लो। बोले हाँ सुनो, सुनाओ। बोले मैंने तो एक बढ़िया सा भगवान का भगत भजन सुना दो और यो ही मारी मजूरी है। और नरसिंह जी का चेहरा पे चाक आ गया। और नरसिंह जी और टीम सूरदासों के मिल करके और भजन सुना रहे हैं, भगवान जी गाड़ी हाँक रहे हैं, भगवान जी गाड़ी को ऐसे चला रहे हैं जैसे बस एरोप्लेन। ओ टूट्योड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, टूट्योड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। और क्या हो रहा है? अरे सूर्या सगड़ा पीठ थपेड़े, हाँ जी सूर्या सगड़ा पीठ थपेड़े, जीव तोरे ओ मोटियारे, अरे जीव तोरे मोटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। अरे घणी दूर सो दौड़ो थारी गाडूली कैलार, अरे गाडूली कैलार, माने भी ओ बाबा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। ऐसे करके भगवान जी ने उनको अंजार नगर में बहुत समय से पहुंचा दिया। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा, आप जरूर अपना मत रखिए।